आज की हमारी वीडियो फैक्ट चैनल वालों के लिए गोल्ड माइन साबित होने वाली है। एक ऐसा AI टूल जो आपके पूरे कंटेंट क्रिएशन का गेम चेंज कर देगा। फर्क नहीं पड़ता आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो या Instagram पे, और सिर्फ फैक्ट चैनल से नहीं बल्कि आप किसी भी कैटेगरी की वीडियोस बनाते हो, ये AI टूल आपका दिमाग हिला देगा। क्योंकि अपने वीडियोस में यूज करने के लिए आप कई सारी इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करते होगे, और आपके दिमाग में डर लगा रहता है कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। लेकिन ये AI आपको ऐसी अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस जनरेट करके देगा जिसपे कभी कॉपीराइट स्ट्राइक का चक्कर ही नहीं पड़ने वाला। आपने ऐसी कई वेबसाइट्स भी देखी होंगी जो टेक्स्ट टू इमेज या इमेज टू इमेज कन्वर्ट करती हैं, प्रॉम्प्ट देके इमेज जनरेट कर देती हैं। ये तो पुरानी बात हो गई भाई, इस वेबसाइट ने पूरा गेम ही बदल दिया है। सबसे पहली चीज, ये वेबसाइट पूरी तरह फ्री है, और दूसरा, इसने अपने सारे प्रीमियम फीचर्स भी बिल्कुल फ्री में अपने सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल कर दिए हैं। तो इस AI टूल को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या क्या फीचर्स दे रहा है, और अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो चाहे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है लियोनार्डो AI। बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसमें अब तक मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, पहले हम सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट यूज करते थे इमेज जनरेशन का, यानी टेक्स्ट टू इमेज। हम एक प्रॉम्प्ट देते थे और एक इमेज जनरेट हो जाती थी। लेकिन इसके अलावा ये देखो, ये इसने चार फीचर्स अपने और इनेबल कर दिए हैं, और ये हर कोई यूज कर सकता है। मेरे पास इस वेबसाइट का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन मैं ये सारे फीचर्स यूज कर सकता हूं, और आप भी यूज करके इसे अपने कॉन्टेंट क्रिएशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक करके समझते हैं सारे फीचर्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा देखने में आपको, और सीखने को भी मिलेगा ऑब्वियसली अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो पहला तो इमेज जनरेशन है, ये तो ऑब्वियस है। यहाँ पे तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं और कोई एक इमेज जनरेट हो जाती है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे कोई ज्यादा, क्योंकि मैंने सभी काफी वीडियोज बना रखी है तो आपको पता होगा प्रॉम्प्ट देने के बारे में। आते हैं सेकेंड जो इसने टूल एक्टिव किया है, रियल टाइम कैनवास। Create and transform your sketches into art in real time. अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हो, यानी जो आप स्केचिंग करते ना, जो लोग, अगर ऐसा कोई बंदा है जो स्केचिंग करता है, उसके लिए यार इसने एक ऐसा फीचर दिया है जहां पे आप सिर्फ स्केचेस बनाते जाओ, ये अपने आप उसको शेप देता जाएगा, एक उसको पिक्चर देता जाएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पेंटर्स होते हैं जो स्केच बनाते हैं, उनके लिए बहुत तगड़ा टूल होने वाला है। भाई हम तो एक स्केचर नहीं है, हम तो पेंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉर्मली कुछ एक लाइंस जो है ड्रॉ करके देखते हैं। ये ड्रॉ ब्रश पे है। अब इसको सपोज मुझे एक, मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक अपने AI के हिसाब से एक इमेज जनरेट कर दी, राइट साइड में आप देख रहे होंगे। अब मैं इसमें जो भी एडिशन करता जाऊंगा, ये इस इमेज में भी कुछ ना कुछ एडिशन करता जाएगा जितना ये समझ पाएगा मेरी फोटो को। तो जितना अच्छा स्केचर होगा, जितने शार्प तरह से वो फोटोज बनाएगा, जितने स्केच बनाएगा, उतने ही शार्प वो इमेज जनरेट करता जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल एक और सर्कल बना देता हूं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या करता है इसका। तो इसने इसी शेप से रिलेटेड एक पिक्चर जनरेट कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, मैं तो ये नॉर्मली लाइंस खींच रहा हूं यहाँ पे। अगर कोई अच्छा स्केच बनाने वाला है तो वो इस टूल की हेल्प से बहुत तगड़ी इमेजेस जनरेट कर सकता है। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है और आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो आप इस फीचर का यूज करके काफी तगड़े इमेजेस जनरेट कर सकते हो। इसके बाद बाहर चलते हैं और अब आते हैं अपने सेकेंड फीचर पे, कैनवास एडिटर। एडिट, रिफाइन, एड डिटेल्स, रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स, मॉडिफाई स्टाइल्स एंड मोर्स। इसमें आप अभी तक क्या होता था कि हम कोई भी इमेज जनरेट करते हैं तो जैसे भी मिलती है हमें वो डाउनलोड करनी पड़ती है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है कि आप इमेज तो जनरेट करोगे ही, साथ में अगर आप उसमें, आपको उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे पहले हमें कोई इमेज जनरेट कर लेते हैं, हम सिंपल देते हैं अ बॉय वॉकिंग इन रेन, और इसको हम जनरेट करते हैं। अब ये यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो गई है। अब इसको एडिट करना है, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, यानी ये फोटो जो है ये आपके कैनवास पे फिट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेन हॉट की स्पेस, अच्छा ये सिर्फ मूव करने के लिए। दूसरा आते हैं मास्क, अगर आपको कोई मास्किंग करनी है इसके ऊपर किसी इमेज की, तो इसको आप इसकी हेल्प से मास्किंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है इरेज, अगर आपको इमेज में कुछ डिलीट करना है, कुछ इरेज करना है पीछे की चीज, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से इरेज कर सकते हो। कुछ स्केच करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो,
और वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको फोटोज में कुछ एडिटिंग करनी है किसी भी तरीके की, कुछ इरेज करना है, कुछ मास्क करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे बाहर चलते हैं, अब आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। ये ऐसे फीचर्स है ना, ये देख के तो भाई साहब आपको लगेगा कि एआई कहां जा चुका है। एक है मोशन का, इसमें आप किसी भी इमेज को यहां अपलोड करो और वो उसको मोशन दे देगी, यानी इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर देगी। और सिर्फ यही प्रॉम्प्ट देके नहीं, आप कोई भी रैंडम यहां से फोटो उठा सकते हो और उसको इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम एक ये वीडियो, ये इमेज लेते हैं जो कि बड़ी सही सी लग रही है, रियलिस्टिक सी लग रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज टू मोशन, ये ऑप्शन पहले नहीं था इस वेबसाइट पे, ये पेड एक ऑप्शन था। इमेज टू मोशन के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, प्रीमियम वाला लेना पड़ता था, लेकिन इस वेबसाइट पे इस वक्त ये बिल्कुल फ्री है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मांग रहा है 25 टोकन। इस पे 150 टोकन डेली मिलते हैं लियोनार्डो पे। आपको डेली 150 टोकन जैसे यूज करना है, चाहे इमेज जनरेट कर लो, चाहे इमेज टू वीडियो जनरेट कर लो, जैसे भी। तो यहाँ पे इस इमेज टू वीडियो जनरेट करने के 25 टोकन ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं जनरेट, और एक बार फिर ये पूछ रहा है व्यू वीडियो जनरेशन स्टेटस और पर्सनल फीड व्हेन कंप्लीट, ठीक है, व्यू जनरेशन पे करते हैं। तो हमारी इमेज टू वीडियो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और अब आप देख सकते हो क्या शानदार इसने एक एनिमे काइंड ऑफ वीडियो बना दिया, जो कि देखने में बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। और यार ये वीडियोस बनाने में बड़े बड़े जो एडिटिंग हाउसेज हैं उनको कितनी मेहनत लगती है, और यहाँ पे एक क्लिक में ऐसी वीडियोस बना दे रहा है। तो वीडियो अगर पसंद है आपको, सही लगती है कि हाँ ये अपने जो भी फैक्ट वीडियोज या जो भी आप यूट्यूब वीडियोज बना रहे हो उस पर अगर आप यूज करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एमपी डाउनलोड का, इस पे क्लिक करो और ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फीचर आया है इमेज टू मोशन का, जो मेरे ख्याल से सारी ही वेबसाइट्स की दुकानें बंद कर देगा। बहुत सारी हम वेबसाइट्स ऐसे देखते हैं ना जहाँ पे हम इमेज को एक मोशन देते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग करनी है कुछ, यहाँ पे फ्री में कर रहा है भाई, टोकन ले रहा है बस आपसे, जो कि डेली 150 देता भी है नए, ठीक है। तो एक ये हो गया, बहुत ही तगड़ा ये फीचर है मोशन वाला। आप कोई भी प्रॉम्प्ट दो इमेज जनरेशन पे जाके, और वहाँ से फिर इमेज लेके मोशन में आके उसको मोशन दे सकते हो। और ये जो वीडियोस हैं कितने अल्ट्रा रियलिस्टिक हैं ये भी आपने देख ली। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे तगड़े फीचर पे, रियल टाइम जनरेशन। यार ये फीचर देख के तो मुझे भी बड़ा अच्छा भी लगा देखने में, और मतलब मजा आ गया। अब यहाँ पता क्या है, यहाँ पे आप जो भी प्रॉम्प्ट देते जाओगे ये हर वर्ड के साथ एक इमेज जनरेट करता जाएगा, यानी जैसे जैसे प्रॉम्प्ट आपका आगे बढ़ता जाएगा ये इमेजेस उसके हिसाब से जनरेट करता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, अ बेबी बॉय वॉकिंग, तो ये इसने इमेज जनरेट कर दिए अ बेबी बॉय वॉकिंग की। अब मैं इसी में ऐड कर देता हूँ इन अ रेन, तो ये यहां पे तुरंत इसने एक इमेज जनरेट कर दिया साथ के साथ ही इन रेन। अब मैं इसको हटा देता हूं इन हॉट समर, ठीक है। तो मैंने यहां थोड़ी सी इमेज में प्रॉम्प्ट की चेंज करते ही ये देखो यहां पे इसने एक बच्चे की फोटो बना दिया जो एक समर में, मतलब खिली हुई धूप में चल रहा है। इस तरह से मैं अगर और एग्जाम्पल के लिए जैसे एक प्रॉम्प्ट देता हूं मैं द रॉक, तो अभी शायद नहीं समझ पाएगा, द रॉक से इसने एक पहाड़ दिखा दिया। अब मैं आगे ऐड कर देता हूं WWF शायद ये, हाँ। तो अब इसने जो रेसलर है द रॉक उसकी इमेज जनरेट कर दी है। अब मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूं ईटिंग, तो ये कोई इसने रैंडम सी कोई खाना खाते हुए इसकी वीडियो डाल दी है। अब मैं लिखता हूं यहां पे छोले, तो इसके सामने आ गए हैं जबरदस्त छोले। अब मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं सलमान खान वॉकिंग, तो भाई ये एक इमेज आ गई है सलमान खान वॉकिंग की। अब मैं इसको थोड़ा सा वॉकिंग को हटा देता हूं और लिख देता हूं एज बैटमैन, तो ये इसने बैटमैन की इमेज जनरेट कर दी है और सलमान खान को ही बैटमैन बना दिया है। तो ये है लियोनार्डो एआई, जिसने पूरी तरह अपने सारे फीचर्स फ्री कर दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा कैच रखा है इसने यहाँ पे। यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन कर दिया वेबसाइट के ऊपर, अनलॉक द मैजिक ऑफ एल्केमी ड्यूरिंग ग्लोबल गेम जैम, फॉर दिस वीक ओनली वी आर ग्रांटिंग ऑल आवर फ्री यूजर्स अ स्पेशल पास टू एक्सप्लोर एल्केमी प्रीमियम फीचर्स।
यानी कि एक वीक के लिए अगले एक हफ्ते तक ये सारे फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। आप जितनी चाहे इमेजेस वीडियोस सब कुछ फ्री में जनरेट करते रहो। उसके बाद जैसे ही एक वीक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने पुराने ट्रैक पे चली जाएगी जहाँ पे इमेज जनरेशन फ्री रहता है और बाकी कुछ कुछ फीचर्स पेड होते हैं, कुछ कुछ फ्री होते हैं। इमेज जनरेशन पूरी तरह से फ्री होता है। तो ये वीक का टाइम है, आप इसको पूरी तरह यूज़ करो अपने वीडियोस के लिए। अपने फैक्ट वीडियोस बनाते हो, नॉर्मल वीडियोस बनाते हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल कोट्स बनाते हैं, जो टेक्स्ट टू वीडियोस, इमेज टू वीडियोस, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए तो भाई साहब ये गोल्ड माइन है। ये वीक है पूरा, 10 20 50 वीडियो जनरेट करके रख लो। डेली यहाँ पे 150 टोकन्स मिलेंगे आपको, जो एक दिन आप यूज़ कर सकते हो, अगले दिन फिर 150 रिफिल हो जाएंगे। तो इस तरह से यूज़ करो और इस लियोनार्डो AI का भरपूर फायदा उठाओ। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।